यहां कुछ ही महीनों में बीजेपी सरकार बनेगी। ना जेल से डरा है झारखंड, ना फांसी से डरा है झारखंड, ना गोली से डरा है झारखंड। यही तो हमारी इतिहास है। जेएमएम अब झूठे वादों की बदौलत अपने आप को बचाना चाहती है। जिन्होंने 5 साल तक जनता का हक छीना, यही तो हमारी इतिहास है। जितना खून जमीन पर गिरेगा उतना वीर शहीद वीर सपूत पैदा लेगा। जेएमएम और कांग्रेस वाले झारखंड में घोटालों का मैराथन कराने में लगे हैं। पुराना हिसाब किताब ढूंढा और इन लोग को लगता है कि सब आदिवासी बोका है। इस देश में जितना मूलवासी झारखंड का आदिवासी है सब बोका लोग हैं। अब जब इनकी विदाई होने को है तो इन्होंने भ्रष्टाचार की स्पीड भी बढ़ा दी है। फिर हम लोगों ने खोजा, कागज पत्र निकाला तो पता चला कि 1,36,000 करोड़ रुपया कोयला का बकाया भारत सरकार लेके बैठा है। झारखंड को बलि चढ़ा करके ये वोट बैंक का खेल चल रहा है। झारखंड की विरासत को बलि चढ़ाना। पहले तो साफ इनकार हुआ कि कोई बकाया नहीं है। जब हमने सबूत पेश किया हमने कहा नहीं पैसा मिलेगा तो हम कोर्ट में जाएंगे। झारखंड की अस्मिता को बलि चढ़ाना, ये खतरनाक खेल। इनका खेल खतर कितना खतरनाक है। और 1,36,000 करोड़ रुपया अगर एक मुस्त दे दे तो हमारा इस राज्य का 3.25 करोड़ जनता हर एक व्यक्ति जो आज आप चादर ओढ़ते हैं तो पैसा का चादर ओढ़ते इतना पैसा हो जाता। कांग्रेस के नेताओं के ठिकानों से सैकड़ों करोड़ बरामद होते हैं, यहां नेताओं के नौकरों के घरों से भी। लगाना शुरू हो गया झूठा आरोप। 2 साल कोरोना खा गया और 2 साल मेरे पीछे चूहा बिल्ली का खेल चालू हो गया। ये झारखंड की लड़ाई सत्ता पाने की लड़ाई नहीं है, ये झारखंड की लड़ाई रोटी बेटी और माटी बचाने की लड़ाई है। इन लोग को 2 साल लग गया हम पर झूठा आरोप को तैयार करने में। जब ये लोग नहीं सके तो जबरदस्ती जेल में डाल दो। आप सब तैयार हैं? ये लड़ाई लड़नी है, घर घर लोगों को जगाना है। रोटी बचनी चाहिए कि नहीं बचनी चाहिए, माटी बचनी चाहिए कि नहीं बचनी चाहिए। यही तो हमारी इतिहास है। जितना खून जमीन पर गिरेगा उतना वीर शहीद वीर सपूत पैदा लेगा। पानी के काम में भ्रष्टाचार कर रही है। भ्रष्टाचार का ऐसा खुला खेल, पैसे की ऐसी बंदरबांट, यहां कांग्रेस के नेताओं के ठिकानों से सैकड़ों करोड़ बरामद होते हैं, यहां नेताओं के नौकरों के घरों से भी करोड़ों रुपए पकड़े जाते हैं। मैं इतने सालों मुख्यमंत्री रहा, इतने साल प्रधानमंत्री रहा, इतने सालों से सार्वजनिक जीवन में रहा, मैंने कभी अपनी आंखों से नोटों के ऐसे ढेर नहीं देखे जो झारखंड में चोरी किए हुए पैसे पकड़े जा रहे हैं। मैं वो ढेर टीवी पे देख रहा हूं। जैसे जेएमएम और कांग्रेस वाले झारखंड में घोटालों का मैराथन कराने में लगे हैं, मैंने तो सुना है
अब जब इनकी विदाई होने को है तो इन्होंने भ्रष्टाचार की स्पीड भी बढ़ा दी है और कहते हैं स्केल भी बढ़ा दिया है। मुझे पता चला है पिछले दो हफ्ते में झारखंड में हजारों ट्रांसफर हुए हैं। लोग बता रहे हैं इस ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग, इनका बहुत बड़ा उद्योग है, ये ट्रांसफर पोस्टिंग के बहाने करोड़ों रुपये का खेल ये जेएमएम ने किया है। लेकिन मैं इन्हें बताना चाहता हूं ये खेल अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। जल्द ही झारखंड में सरकार भी बदलेगी और इस लूट का हिसाब भी होगा, पाई पाई का हिसाब होने वाला है। साथियों, आज जेएमएम को वो लोग चला रहे हैं जो झारखंड की पहचान को बदलना चाहते हैं, झारखंड की सदियों पुरानी पहचान को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। ये लोग और कांग्रेस में बैठे इनके आका झारखंड में आदिवासी समाज को अल्पसंख्यक बनाना चाहते हैं। ये जानते हैं इन्होंने हमेशा आदिवासी समाज को ठगा है, इन्होंने कभी भी आदिवासियों को आगे नहीं बढ़ने दिया है। इसलिए सत्ता में बने रहने के लिए लोग झारखंड में अपना एक नया वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। झारखंड को बलि चढ़ा करके ये वोट बैंक का खेल चल रहा है। झारखंड की विरासत को बलि चढ़ाना, झारखंड की अस्मिता को बलि चढ़ाना, ये खतरनाक खेल, इनका खेल खतर कितना खतरनाक है ये संथाल परगना इसका जीता जागता सबूत है। संथाल परगना में आदिवासी आबादी लगातार कम हो रही है, वहीं दूसरी आबादी घुसपैठियों की आबादी लगातार बढ़ रही है। डेमोग्राफी में इतना तेज बदलाव आदिवासियों की, हिंदुओं की घटती हुई आबादी, मैं आपसे पूछता हूं झारखंड में ये बदलाव आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या तेजी से बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? घुसपैठिए यहां की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? झारखंड की बेटियां, आदिवासी समाज की बेटियां इनके निशाने पर है कि नहीं है? साथियों, आप सबको ये खतरा दिखता है, आपको डेमोग्राफी में ये बदलाव दिखता है, लेकिन झारखंड सरकार को ये नहीं दिखता है। जो यहां के गांव के इंसान को दिखता है वो सरकार में बैठे लोगों को नहीं दिखता है।
आज हमने वृद्धा पेंशन, मैया सम्मान योजना क्यों चालू किया आपको मालूम है? हमारे सभी मंत्रीगण, विधायकों ने बहुत सारी योजनाओं के बारे में बताया, इसके पीछे सोच क्या है? आज भी हमारे गांव में गरीबी इतनी है कि एक बीमारी में, बच्चा का पढ़ाई लिखाई में, आज भी हमारा गांव देहात का लोग महाजनों से पैसा लेता है, बिचौलियों दलालों से पैसा लेता है। और हमने ये संकल्प लिया है, ये तो अभी शुरुआत है, आने वाला 5 साल में आपको किसी से कर्जा लेने की जरूरत नहीं है, हर एक घर में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का हम आपको वादा करते हैं। छोटा छोटा 20,000-10,000 रुपया उधारी लेता है और उसका ब्याज ऐसा चढ़ता है कि कभी उतरता ही नहीं है पैसा। जिन महाजनों के साथ हम लोगों ने जंग लड़ा, आज वो महाजन अपना चेहरा बदल करके फिर से हम लोगों के बीच में खड़ा है और उसी के खिलाफ ये लड़ाई अभी भी जारी है। ये व्यापारियों की जमात जिसको हम लोगों ने 2019 में उखाड़ फेंका है, फिर से अपना सर खड़ा करने का तैयारी कर रहा है। आज हमारे पीछे, एक मुख्यमंत्री के पीछे हमारे विपक्ष में 7-7 मुख्यमंत्री लगा हुआ है, हमको डिगाने के लिए, कभी जेल भेजने के लिए, कभी झूठा आरोपों में फंसाने के लिए, आप तो पूरा परिवारों को जेल में डालने का कार्य योजना बना रहा है। अभी तो लोकसभा चुनाव में इन लोगों को कामयाबी मिला हमको जेल में डालने का, लेकिन नतीजा यह हुआ कि पूरा राज्य का हमारा आदिवासी भाई, मूलवासी भाई ने इनको ऐसा तमाचा दिया है जहां ये 12 से 9 पर उतर आए हैं। यही काम लोकसभा में हुआ, पूरा देश के लोगों को, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई, अगड़ा पिछड़ा, यही सब कर करके इतना दिग्भ्रमित किया, लोगों को तो बेवकूफ बनाता ही है, ये भगवान को भी नहीं बकसते। और नतीजा ये होता है कि लोकसभा चुनाव में ये बहुमत भी नहीं साबित कर पाते। तो कई ऐसी चीजें 2019 से पहले आप लोग कभी गांव-गांव, पंचायत-पंचायत में पदाधिकारी लोग को जाते देखे हैं? नहीं देखे होंगे। कई लोग अपना पेंशन कार्ड, अपना वृद्धा पेंशन, आवास के लिए दलालों का चक्कर काटता था, लेकिन हमने कानून अब ऐसा बना दिया कि अब दलाल खत्म। जो 50 साल होगा सीओ का काम है उसका वृद्धा पेंशन बनाना। और महिला लोग का तो अनवरत जारी है, हर दिन देखते हैं 10,000-15,000 बढ़ जा रहा है, 20,000 बढ़ जा रहा है, नई महिलाएं जुड़ रही हैं, नई बच्चियां जुड़ रही हैं हर दिन। और होगा, आज 18 साल हो गया, अनेक बच्चियां आज 18 साल हो गई होंगी, कल कई बच्चियां 18 साल की हो जाएंगी। पहले और अभी भी हमारे गांव देहात में बच्चियों को बोझ लोग मानते हैं, 10वां-11वां पढ़ाई नहीं कर पाती है बेचारा, उसके लिए दूल्हा ढूंढता है सब लोग, ब्याह कर दो, भेज दो। लेकिन अब
हमारी बेटी अब घर की बोझ नहीं बल्कि बेटी हमारी संपत्ति के रूप में घर पे रहेगी और उसका पूरा खर्चा अब राज्य सरकार देगी।